गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जैसा कि प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर चुके थे कैटल के बारे में और उसके मैक्सिमम ब्रीड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब कुछ दो चार एग्जॉटिक ब्रीड जो हैं उसमें हम लोगों को आगे देखना था, तो आज हम लोग उसको रिकवर करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग बफेलोज के ब्रीड को देखेंगे, सीप के ब्रीड को देखेंगे और गोट के ब्रीड को देखेंगे, ठीक है। कुछ कैमल और कुछ एलिफेंट के ब्रीड को भी हम लोग आज मेंशन करेंगे। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में ब्रीड के बारे में ही, यानी एनिमल का जो एनिमल ब्रीडिंग है तो उसमें हम लोग ब्रीड यानी अलग अलग जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं जो हमारे डेली लाइफ में किसी न किसी तरह से हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, कुछ ना कुछ काम में आते हैं, जैसे काउ, बफेलो, सीप, गोट, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, तो ये सब हमारे लाइफ से डायरेक्टली जुटे हुए हैं। किसी का मीट हम लोग यूज करते हैं, किसी का मिल्क यूज कर सकते हैं, कोई ट्रेवल में यूज आता है, कोई सामान ढोने में यूज आता है, कोई हमारे सानो सौकत में यूज आता है, तो ये हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वैसे एनिमल का हम लोग ब्रीड और उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए कुछ एग्जॉटिक ब्रीड जो कैटल में हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम लोग नए मार्कर से शुरुआत करने वाले हैं। अब आप सोचते हैं कि सर नए मार्कर का क्या मतलब, मतलब ये कि पुराने मार्कर का ही खत्म हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं कुछ न्यू ब्रीड के बारे में। न्यू ब्रीड में जैसे सबसे पहले देखेंगे करन स्विस, तो ये कैसे बना, ये बना है सहीवाल काऊ को हम लोग ब्रीडिंग कराए हैं ब्राउन ब्राउन स्विस बुल से। तो क्या मिला है हमें, हमें मिला है करन स्विस। करण नाम जो है वो इंडिया से है और स्विस जो है ये ब्रीड जो लिए हैं बुल का सीमेन जो यूज किए हैं हम लोग उससे, तो दोनों से मिला क्योंकि जो ये हाइब्रिड हमारा मिला वो हो गया करन स्विस, ठीक है। करन स्विस जो है वो डेवलप इन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे एनडीआरआई करनाल, यह करनाल में इंस्टीट्यूट है, इंडिया का सबसे बड़ा जो है वह डेयरी इंस्टीट्यूट यही है एनडीआरआई करनाल, ठीक है। तो यहां पर इसको डेवलप किया गया था करन स्विस को। सेकंड में देखिए, सेकेंड में हम लोगों ने सुनंदनी को तैयार किया, इसमें क्या था लोकल नॉन डिस्क्रिप्टेड कैटल, नॉन डिस्क्रिप्टेड कैटल को क्रॉस किए थे हम लोग जर्सी से या फिर ब्राउन स्विस से और एंड होल्स्टीन से, तीन या फिर एशियन ब्रीड से। तो इससे हमें क्या मिला था, इससे हमें सुनंदनी तैयार होके मिला था, सुनंदनी। उसके बाद में है थर्ड में क्या किया हम लोग, थारपारकर, थारपारकर को हम लोगों ने करन प्राइज से मिला था, क्रिशियन होल्स्टीन क्रिशियन और थारपारकर को क्रॉस किए तो इससे हमें मिला करन प्राइज, ठीक है। करन प्राइज ये हमें इस तरह से प्राइज वर्ड कहां से लिए, तो यहां से आया,
और करण क्योंकि इंडियन हाइब्रिड तैयार हुआ था यानी इंडिया का भी एक काउ पार्ट लिया गया था तो उससे जो तैयार हुआ वह हो गया करण प्राइस। ठीक है, सॉरी साउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है क्योंकि थोड़े से आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जिसे हम रोक नहीं सकते हैं और क्योंकि नाइट में रिकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लाइट की क्वालिटी पुअर हो जाती है और डे में मौसम भी अभी ठीक नहीं है कि इवनिंग टाइम में कुछ कर सके। आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से थोड़े से साउंड में थोड़े से आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं तो बट आप बोर्ड के रिप्रेजेंटेशन से आप अपना नोट्स पहले तैयार कर लें और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत रहे तो आप फिर डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इधर इसके लिए इनकन्वीनियंस हो रहा है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे तो वही कुछ सम एक्जोटिक ब्रीड में जैसे जर्सी ब्रीड जर्सी इंग्लिश चैनल यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट का नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है, और जर्सी भी एक एरिया का नाम है अमेरिका में, न्यू जर्सी करके जगह भी है तो यह जर्सी ब्रीड जो है इंग्लैंड ऑफ जर्सी में और इंग्लिश चैनल के आसपास एरिया में मिलता है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रिया क्रिश्चियन ये मिलता है हॉलैंड में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ईयरशायर स्कॉटलैंड में ये मिलता है स्कॉटलैंड में ब्राउन फिश ये मिलता है स्विट्जरलैंड में ये स्विट्जरलैंड का है। तो ये सब जो है वो कुछ एक्जोटिक यानी एक्जोटिक का मतलब विदेशी ब्रीड है, हमारे इंडिया के ब्रीड नहीं है। अब कुछ कैटल के डिजीज हैं डिजीजिंग कैटल जैसे वायरस होने वाले डिजीज रिंडरपेस्ट इसको कहते हैं हम लोग कैटल प्लेग फूट एंड माउथ डिजीज एंड माउथ डिजीज फिर बैक्टीरियल में एंथ्रेक्स मैस्टाइटिस प्रोटोजोनल प्रोटोजोनल में बेबेसियोसिस योसिस प्राइम में मैड काउ डिजीज मैड काउ डिजीज तो ये जो है वो कैटल के जो है वो डिजीज हो गए। इसमें आपको ये रिंडरपेस्ट यानी जिसे कैटल
डिजिट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मैड काउ डिजिट प्राइम डिजिट है, प्राइम क्या है ये बताने की आई थी, मुझे लगता है कि जरूरत है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजिट भी इम्पोर्टेंट यही चीज है, या भी एक वायरस डिजिट है। इसमें आपको डायरेक्ट पैथोजन का नाम नहीं पूछने वाला है, इसमें बहुत होगा तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा डिजीज है, तो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, ये पूछेगा आपसे। तो ये हमारा कैटल का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं बफेलोज का, ठीक है। ये इंडियन बफेलो बुबेलस बुबेलिस इसका जूलॉजिकल नेम है, बुबेलस बुबेलिस। बुबेलिस ब्रीड ऑफ इंडियन बफेलो। ब्रीड ऑफ इंडियन बफेलो इंडिया। फर्स्ट में देखिए मुर्रा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, भदावरी, भदावरी का है, यूपी, एमपी, जाफराबादी, जाफराबादी ये है गुजरात में, फिर है आपका सुरती, सुरती है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद मेहसाणा, मेहसाणा है आपको गुजरात में, गुजरात, नागपुरी, नागपुरी है आपको सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, नीली, उसके बाद है नीली रावी, यह है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा। तो ये सब सात जो हैं वो सेवन ब्रीड जो हैं वो बफेलोज के हैं। बफेलोज में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बफेलोज में बस हमें इनके ये नाम थोड़े से याद रखना है। मेहसाणा एक शहर का भी नाम है गुजरात का, जो अहमदाबाद से अहमदाबाद के बाद में आता है, तो ये कम लगभग राजस्थान के बॉर्डर के पास में है मेहसाणा, तो वहां पे एक स्पेशल ब्रीड है, तो उसी को कहते हैं हम लोग मेहसाणा ब्रीड जो गुजरात में है, ठीक है। नागपुरी ब्रीड नागपुर महाराष्ट्र में ही है, जो सेंट्रल लगभग सेंट्रल रीजन में आता है, नागपुर पहले एमपी का,
कैपिटल भी रह चुका है, तो एक अच्छा सिटी एकदम एमपी के जस्ट बगल में है नागपुर, तो इसलिए सेंटर एंड साउथ इंडिया का ये क्या है ग्रिड है। अब नेक्स्ट ग्रिड देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनिमल सीप के बारे में। सीप को ओविस एरिस बोलते हैं, ओविस एरिस, इसका एक्जोटिक ब्रीड मैरिनोस मोस्ट पॉपुलर एंड फाइन वूल ब्रीड है मैरिनोस। सेकंड में है आपका राम आई राम वॉलेट मोस्ट पॉपुलर, ये राम वॉलेट हो गया, और सुपोल डॉर्सेट। बस ब्रीड के थोड़े नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, सभी में बहुत ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ब्रीड का नाम ही याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, हाँ ये बात मैं मानता हूं। डॉर्सेट कॉरिडेल कॉरिडेल साउथ डाउन डाउन लिंकॉल, बाकी इधर मैं लिख रहा हूं विचेस्टर। तो ये जो एक्जोटिक ब्रीड के नाम हुए इतने, ठीक है, या सेवन और या एट हो जाएगा, दिस इज सेवन एंड दिस इज एट। नंबरिंग से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अब कुछ साउदर्न ब्रीड के नाम, कुछ वेस्टर्न ब्रीड के नाम, कुछ ईस्टर्न ब्रीड के नाम, ठीक। ये सब जो हुए वो एक्जोटिक ब्रीड हुआ सीप का। अब नॉर्दर्न टेम्परेट ब्रीड, टेम्परेट में गद्दी हाफरवाल गद्दी हो गया, हाफरवाल हो गया, रामपुर बुशायर बाद में साउदर्न रीजन, साउदर्न रीजन का जो ब्रीड है सीप में वो तो उसका नाम है डेक्कन नेल्लोर। अब कुछ सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब साउथ और वेस्टर्न, ये साउथ और नॉर्दर्न रीजन मिला करके बीच का पार्ट सेमी एरिड रीजन। तो सेमी एरिड रीजन में नाली लोही मारवाड़ी, नाली लोही एल ओ एच आई मारवाड़ी, और फिर ईस्टर्न रीजन में है छोटा नागपुरी शाहाबादी
शाहबादी और गंजाम। ठीक, तो ये सब जो ब्रीड हुए हैं ये सीप के ब्रीड के नाम हो गए। सीप के ब्रीड के बाद में हम लोग अब कुछ गोट के ब्रीड के नाम को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वह देख लीजिए, अब ये हो गया पूरा, इसमें बहुत अब कुछ नहीं, इसमें डिजीज के नाम ये सब उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना बस ब्रीड के नाम को, ब्रीड के नाम में एक्जोटिक नाम थोड़ा याद रखिए कि कौन पूछ देगा कि इसमें से कौन एक्जोटिक ब्रीड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पुअर मैन काउ, गोट को हम लोग गरीब आदमी का गाय बोलते हैं, यानी पुअर मैन काउ जो है वह गोट है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ ब्रीड के नाम को हम लोग अब देखेंगे। तो इसके एक्जोटिक ब्रीड अल्पाइन, टोलेनबर्ग, टॉगेन, टॉगेनबर्ग, शैनन, शैनन, नूबियन, गोरा, पश्मीना भी। अब इसमें से पश्मीना बुल इज ऑब्टेन फ्रॉम माउंटेन गोट, माउंटेन गोट से, और ये मिल रहता का है तो ज्यादातर ये मिलता है तिब्बत, लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख। अब कुछ नौगर नॉर्दर्न रीजन के ब्रीड, नॉर्दर्न रीजन के ब्रीड में गद्दी, कश्मीरी पश्मीना, गद्दी, कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना चांगथांगी, चेबू, चेबू, फिर उसके बाद में आइए साउदर्न में, साउदर्न ब्रीड में है इसका मालाबारी, तुर्की, संगमनेरी, संगमनेरी उस्मानाबादी, उस्मानाबादी। अब कुछ सेमी एरिड रीजन,
सेमी एरिड में मारवाड़ी सिरोही बीटल जमुनापरी और ईस्टर्न में बंगाल एंड गंजम बकरी का जो सबसे अफ्रीका और इंडिया जो है ये दो कंट्री खास करके जो अफ्रीका का एक पार्टिकुलर वेस्टर्न पार्ट और इंडिया में सबसे ज्यादा गोट के पॉपुलेशन है। तो इस चीज को लिख देंगे हम आप लोग के लिए, अफ्रीका एंड इंडिया हैव द लार्जेस्ट गोट पॉपुलेशन ये दो जगह सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इन दोनों के पास सबसे ज्यादा इनके पॉपुलेशन है। तो ये सब जो है एक्जोटिक ब्रीड के बाद में, और पश्मीना से क्वेश्चन पूछता है, पश्मीना बुल जो है वह माउंटेन गोट से मिलता है, जैसे यहाँ पर भी आया। तो नॉर्दर्न रीजन तो खास करके कश्मीर में, उत्तराखंड में, तिब्बत में, ये सब जगह जो है वह पश्मीना गोट मिलती है, और उसी से उसके वुल को निकाल के सबसे हाई क्वालिटी का जो स्वेटर वगैरह जो बनता है ठंडे में पहनने के लिए, तो वह पश्मीना बुल होता है। ये साउदर्न ब्रीड हुआ, सेमी एरिड ब्रीड, और ये ईस्टर्न ब्रीड। ईस्टर्न ब्रीड का मतलब आप समझ रहे हैं, इंडिया के नक्शे में यानी मैप में जो ईस्ट वाला पार्ट है, जैसे आपका सिक्किम का पार्ट हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारा पार्ट। अब आइए सेरोफा में ऑल्सो कॉल्ड स्वाइन और हॉग ब्रीड ऑफ पीक। अबाउट 50 ब्रीड अब ये इसमें से इंडियन ब्रीड लार्ज वाइट यॉर्कशायर यॉर्कशायर स्टॉक। और इसी के तो मिलते जुलते और ब्रीड हैं, फिर है उसके बाद ये हुआ वन, तो ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, मिडिल वाइट
यॉर्कशायर, बोर एंड शॉ। तो मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर का बोर भी होता है और मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर का शॉ भी होता है। जैसे यहां पर दोनों का लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर बोर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर शॉ, तो उसी का मिडिल व्हाइट दोनों का बोर एंड शॉ भी होता है। ये हो गया है। अब देखिए कुछ एक्जॉटिक ब्रीड, एक्जॉटिक ब्रीड में बर्कशायर, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, यॉर्कशायर लैंडरेंस, लैंडरेंस हैम्पशायर, हैम्पशायर टैमवर्थ एंड वेसेक्स। तो इस तरह से ये जो है वो अब आइए हम लोग हॉर्स के बारे में देखते हैं। हॉर्सेस, इक्वस कबैलस, इक्वस कबैलस, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी राजस्थान एंड गुजरात में होता है, मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है वह आरजी का मतलब राजस्थान, भूटानी और भूटिया पंजाब एंड भूटान में, एंड भूटिया पंजाब एंड भूटान। पंजाब एंड भूटान ठीक है। फिर मणिपुरी, मणिपुरी जो है वह नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बाद में है स्पीति, यह हिमाचल में जांस्करी, जांस्करी लद्दाख, लद्दाख में। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा डंकी के बारे में। डंकी, डंकी को एसिनस, इक्वस एसिनस, डंकी के स्मॉल लार्ज, स्मॉल डार्क ग्रे, एक है स्मॉल डार्क ग्रे एंड लार्ज लाइट ग्रे एंड लार्ज लाइट ग्रे। दूसरा व्हाइट होता है, यस व्हाइट डंकी फाउंड इन रन एंड कच्छ। व्हाइट डंकी फाउंड इन
उत्तराखंड एंड कच्छ। अब एक देखिए म्यूज, म्यूज हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि यह हाइब्रिड प्रोडक्ट है किसका, हॉर्स एंड डंकी से मिला करके। तो इसमें दो चीज होते हैं म्यूल एंड हीमी, दोनों को देखिए कैसे। तो जब मेल डंकी क्रॉस होता है फीमेल हॉर्स से तो वहां पर मिलता है मेल, और ये कैसा होता है स्टेराइल। और जब इसका बेटा मेल हॉर्स क्रॉस करेगा फीमेल डंकी से तो इससे आएगा हिम, और ये भी कैसा होगा तो यह भी स्टेराइल होगा, यानी दोनों में से कोई जो है वो बच्चा नहीं दे सकता है, सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं दोनों, तो चाहे म्यूल हो या फिर हिमी हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कैमल के ब्रीड के बारे में थोड़ा सा, ये हो गया आपको। तो ये तो कंप्लीटली क्या है, ये हाइब्रिड है, म्यूल कोई भी हो, क्योंकि यह हॉर्स से और डंकी से मिला करके बना है, तो यह पूरी तरह से क्या है, तो यह पूरी तरह से हाइब्रिड है। ओके, अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैमल और एलिफेंट का। कैमल कापरा कापरा इसको हम लोग, सॉरी कापरा कापरा, कैमल में एक खासियत है, कैमल ब्रीड ओनली ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन। टू टाइप्स, अरेबियन कैमल यह कैसा है, इसमें सिंगल सिंगल हम एंड शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर ये कहां होता है, यह अफ्रीका टू इंडिया है। उसके बाद बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन नहीं बैक्टीरियन कैमल, इसके इसमें क्या है, तो इसमें टू हम्प एंड लॉन्ग हेयर, हेयर फाउंड इन गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। अब कुछ इंडियन ब्रीड, यानी कैमल के कुछ इंडियन ब्रीड को देखेंगे। इंडियन ब्रीड को तो इसके जब इंडियन ब्रीड को देखते हैं तो वो कौन कौन है, तो एक है बीकानेरी, राजस्थान का शहर है बीकानेर, जैसलमेरी, बीकानेरी जैसलमेरी मेवाड़ी सिंधी एंड कटकी, ये टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ये सब जो है वह किसके, कैमल के ब्रीड।
ग्रेट हुआ, ये फाइव। कैमल के बाद में हम लोगों को अब एक क्लास देखना है, तो वह है एलिफेंट का। तो ये अगर हुआ आपका, आइए देखते हैं अब हम लोग एलिफेंट का। कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा इस बात का कि इसमें से कौन से ब्रीड का नाम याद रखें और कौन से ब्रीड के नाम को छोड़ दें। देखिए, ये सब चैप्टर का ये जो पार्ट है, आपको एग्जाम के दो दिन पहले जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम के दो दिन पहले आप इसको रिवीजन करके जाइए। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें आपको कुछ बताने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस आपको ये नाम याद रखना है और जाना है। तो आप क्या करोगे? तो अब इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है आपको हम बताते हैं कि आप काउ यानी कैटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बफेलोज के नाम इम्पोर्टेंट है। ये सब नाम अगर छोड़ भी देते हैं तो आपका काम चलेगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये सब में अगर आपको टाइम है तो आप इसको रिविजन करो, इसको बार बार याद रखो, बट प्रायोरिटी बेसिस यही है कि आपको इसके जगह पे अगर उस टाइम पे कोई दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवीजन करना है तो पहले आप उसको करो, इसी चीज में उलझे ना रहो। अभी जो रनिंग चैप्टर है इस पे फोकस तो करना है आपको, अभी फिलहाल देखना है, बट एग्जाम के टाइम पे वैसे चैप्टर का ज्यादा रिविजन करना चाहिए। अभी इसका बहुत ज्यादा आप रट भी लोगे तो एग्जाम के टाइम आते आते भूल जाओगे, तो एक से दो बार देख करके और उसके बाद जब एग्जाम का टाइम रहे तो उसके एक दो दिन पहले इसको रिवीजन करके आ चले जाइए। शायद कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे, सही होंगे, लेकिन अभी से बहुत ज्यादा आप इसमें परेशान नहीं होंगे, या इसको देख के मत डरिए कि इतना सारा नाम इतना सारा ब्रीड कैसे याद होगा, छोड़ दीजिए। जिस ब्रीड के नाम में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है उसको स्किप मारिए, बट अभी पढ़ लीजिए, आप टेस्ट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें, इतना सारा नाम है कैसे याद होगा कैसे क्या होगा, तो डोंट बी पैनिक। ओके, अब देखिए ये कुछ एलिफेंट के नाम। एलिफेंट के थ्री स्पेसीज हैं, ब्रीड की नहीं बात कर रहे हैं, इसके तीन अलग अलग स्पेसीज ही फॉर्म में है। तो एलिफेंट से क्या दिमाग में आता है? तो एलिफेंट जो है वह लार्जेस्ट लैंड एनिमल में से एक है, जो 18 से 16 साल के एज में यह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और जिसका गेस्टेशन पीरियड लगभग 22 मंथ है। जैसे ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ है, 9 महीने के बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, उसी तरह यहां पर 22 मंथ है और 22 मंथ के बाद इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है एलिफेंट का वो लगभग 100 साल है। तो एलिफेंट इज लार्जेस्ट लैंड एनिमल और सेक्सुअली मैच्योर एट एज ऑफ 18 to 60, gestation period कितना, 22 month, average life span कितना है, average life span जो है वो है 100 ईयर्स। अब इसके कुछ थ्री स्पेसीज ऑफ एलिफेंट। देखिए, एक है इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट में इलिफास मैक्सिमस मैक्सिमस
स्मॉल ईयर हाई डोम, स्मॉल ईयर हाई डोम। उसके बाद में सेकंड में है अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट लॉक्जोडोंटा अफ्रीकाना। इसका क्या है तो लास्ट ईयर है इसमें लास्ट ईयर कॉन्वेक्स स्लोपिंग स्लोपिंग फोरहेड हेड टस्क इन बोथ सेक्सेस। यानी मेल और फीमेल दोनों में टस्क होते हैं, टस्क मतलब जो लंबी वाली दांत होती है एलिफेंट की उसी को टस्क कहते हैं। और तीसरा वैरायटी है इसका किडनी अफ्रीकाना, किडनी अफ्रीकाना एलिफेंट। किडनी अफ्रीकाना एलिफेंट में इट इज मच स्मॉलर देन अदर टू, इट इज मच स्मॉलर देन अदर टू, इट इज मच स्मॉलर देन अदर टू टाइप्स ऑफ, अदर टू टाइप्स ऑफ एलिफेंट। तो ये तीन वैरायटी ऑफ एलिफेंट जो है वो हम लोगों को देखना है, इंडियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट और पिग्मी एलिफेंट। ये तीनों वैरायटी जो है वो एलिफेंट के अलग अलग वैरायटी को देखना है। देखिए तो हम लोगों ने पहले बफैलो देखा, शीप देखा, गोट देखा, कैमल देखा, एलिफेंट देखा, हॉर्स, डंकी और म्यूल। टोटल आठ एनिमल के ब्रीड को हम लोगों ने देखा। एलिफेंट के बाद में कहीं कहीं पे याक मिलेगा या तो नहीं भी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एनिमल के ब्रीडिंग के पोर्शन को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में बी कीपिंग और फिशरीज, यानी मछली पालन जो फिशरीज है और जो आप लोग मार्केट से हनी ला करके यूज करते हैं बहुत सारे चीजों में, हनी का पूजा में भी यूज होता है, हनी का हम लोग बहुत सारे चीज केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं या डेली लाइफ में खाने में यूज है। तो वहां पे सुक्रोज का गुड सोर्स होता है, वहां पे बहुत अच्छा उसे एनर्जी मिलता है हनी से, और एक गुड नेचुरल सोर्स है अगर प्योर हनी है तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो इसके बाद बी कीपिंग और फिशरीज के पोर्शन को हम लोगों को कवर करना है। तो एक बार आप फिर से ये जितने भी एनिमल के ब्रीड के नाम हमने कराया है उसको, होता क्या है कि जब आप एक से दो बार उसको लिख लेते हैं या एक से दो बार उसको देख लेते हैं तो दोबारा जब आफ्टर सिक्स मंथ के बाद भी जब उसका रिवीजन करते हैं तो लगता है कि ये जाना हुआ है, बस थोड़ा सा खाली रिकॉल कर रहे हैं, लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन एकदम छोड़ देंगे, लगेगा कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसमें आपको नुकसान होगा। दैट मीन्स कि जब भी दोबारा पढ़ने जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि लगेगा कि वो अपना है ही नहीं, कभी जानते ही नहीं है। तो एकदम अननोन चीज से फैमिलियर होना थोड़ा टफ होता है एज कंपेयर टू जो कोई चीज फैमिलियर है, यानी जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं उससे। तो इस बात को ध्यान में रख के थोड़ा सा आप इसको ये कवर करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद में बी कीपिंग और फिशरीज के पोर्शन को हम लोग देखेंगे।